Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिंग चैंपियनशिप है MotoGP, पर इसके अलावा भी कई रेसेस हैं जिनमें राइडर्स अपनी सुपर स्पोर्ट बाइक्स पर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। हेलो राइडर्स, यह है रूटेड शो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल रेसेस के बारे में। साथ ही एंड में हम जानेंगे कि 2026 में एक बार फिर से भारत में होने जा रही इंडियन जीपी में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी आपको क्या करने की जरूरत है। सो लेट्स बिगिन। अगर आप ड्रू ट्राइडर के रेगुलर व्यूअर हैं तो शॉर्ली आपको MotoGP की बेसिक नॉलेज जरूर होगी, इसीलिए यहाँ हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप से। FIM यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिलिज्म ने 1988 में इस रेस को सुपरबाइक रेसिंग वर्ल्ड कप की तरह स्टार्ट किया था, इसीलिए आगे चलकर इसका नाम वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप रखा गया, ऑल्सो नोन एज WSBK। रेसिंग वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, विन ऑन संडे सेल ऑन मंडे। जो सुपरबाइक इस रेस में अच्छा परफॉर्म करती है उन्हें मार्केट में भी ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर स्पोर्ट बाइक BMW S1000 RR इस रेस का बेस्ट एग्जांपल है। वर्ल्ड सुपरबाइक रूल्स के अकॉर्डिंग इस रेस में सिर्फ वही बाइक्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिन्हें मार्केट में बेचा जाता हो। इसे WSBK होमोलोगेशन रूल कहते हैं। 2009 में BMW ने वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए S1000 RR को मार्केट में लॉन्च किया। अपनी फर्स्ट रेस में तो ये बाइक कोई कमाल नहीं दिखा पाई, बट मार्केट में से कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आगे हम WSBK में मोस्ट सक्सेसफुल सुपर बाइक्स के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले इस रेस के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। MotoGP की तरह वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में भी पहले प्रैक्टिस सेशन होता है और फिर जाकर होती है फाइनल रेस, पर यहाँ फाइनल रेस के बाद एक सुपरपोल रेस होती है जिसके बाद एक दूसरी फाइनल रेस भी होती है। यानी कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन जिसमें राइडर्स ट्रैक और वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, देन सुपरपोल जिसमें अच्छा परफॉर्म करने पर राइडर्स को फाइनल रेस में बेटर ग्रिड पोजीशन मिलती है। इसके बाद होती है फर्स्ट फाइनल रेस। फर्स्ट फाइनल रेस के अगले दिन सुबह अगेन एक सुपरपोल रेस होती है जिसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग सेकंड फाइनल रेस में ग्रिड पोजीशंस एलोकेट किए जाते हैं और इसके बाद उसी दिन सेकंड फाइनल रेस के साथ पूरा इवेंट कंप्लीट हो जाता है। लगभग 8 महीनों तक चलने वाले एक WSBK सीजन में ऐसे 12 से 13 इवेंट्स होते हैं और एंड में सारे राइडर्स के ओवरऑल पॉइंट्स को कैलकुलेट करके वर्ल्ड चैंपियन अनाउंस किया जाता है। वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप की हिस्ट्री में Ducati Panigale सबसे सक्सेसफुल बाइक रही है। Panigale 916, Panigale 999 और Panigale 1199 जैसी बाइक्स के साथ होल Panigale सीरीज ने इन टोटल 400 रेसेस जीती हैं। इसके बाद नंबर आता है कावासाकी निंजा सीरीज का। अलॉन्ग विद द फेमस निंजा ZX10R, कावासाकी निंजा सीरीज बाइक्स ने WSBK में इन टोटल 175 रेसेस जीती हैं। थर्ड नंबर आता है होंडा RCN CBR सीरीज बाइक्स का, जिन्होंने इन टोटल 120 रेसेस जीती हैं। सुपर बाइक क्लास के अलावा WSBK में दो और कैटेगरीज होती हैं, सुपर स्पोर्ट और सुपर स्पोर्ट 300, जिन्हें जूनियर राइडर्स के लिए बनाया गया है, पर उनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सुजुका 8 आवर्स के बारे में। एज यू नो, मोटरसाइकिल्स की दुनिया में जापान का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। होंडा, सुजुकी, यामाहा और कावासाकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बिग फोर कंपनीज है, जिन्हें कई टर्म्स में यूरोपियन बाइक से बेटर माना जाता है। हर साल जापान के सुजुका सर्किट पर ये इंड्योरेंस रेस ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें कंटिन्यूअसली 8 घंटों तक राइडर्स को 5.8 किलोमीटर लंबे ट्रैक का चक्कर लगाना होता है। MotoGP और WSBK से अलग सुजुका 8 आवर्स इंड्योरेंस रेस के रूल्स काफी सिंपल हैं। यहाँ सिर्फ एक रेस होती है जिसमें 8 घंटों के अंदर जो जितने ज्यादा लैप्स कंप्लीट करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वो ही विनर होता है। किसी एक राइडर के लिए कंटिन्यूअसली 8 घंटों तक रेस ट्रैक पर इस तरह से बाइक चलाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हर टीम में 2 से 3 राइडर्स होते हैं जो कुछ घंटों के इंटरवल पर राइड करते हैं, बट हर टीम के पास एक ही बाइक यूज करने का ऑप्शन होता है। जब बाइक पिट स्टॉप पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकती है तभी राइडर्स स्वैप किए जाते हैं। WSBK की तरह इस रेस में भी मार्केट में बिकने वाली रोड लीगल बाइक्स ही यूज होती हैं, बट उनमें कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस करना अलाउड होता है। इन टोटल 28 विक्ट्रीज के साथ होंडा CBR सीरीज इस रेस की सबसे सक्सेसफुल बाइक है। सेकंड पोजीशन पर है यामाहा R1, जिसने 6 बार इस रेस को जीता है, और 5 विक्ट्रीज के साथ सुजुकी GSX-R सीरीज तीसरे नंबर पर है। 1978 में शुरू हुई सुजुका 8 आवर्स इंड्योरेंस रेस को वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट मोटरसाइकिल रेस माना जाता है, बट एक रेस है जो इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा डेंजरस है। ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच एक आइलैंड पर इस रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था
और तब से लेकर अब तक हर साल मई जून की गर्मियों में ये रेस उसी आइलैंड पर ऑर्गेनाइज होती है। उस आइलैंड के नाम पर इस रेस का नाम आइल ऑफ मैन टीटी रखा गया है, पर दूसरे रेसिंग इवेंट्स की तरह इस रेस में कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए सेपरेट रेसिंग ट्रैक्स नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पब्लिक रोड्स को एक स्पेशल लॉ के थ्रू कुछ टाइम के लिए बंद करके 60 किलोमीटर लंबे रेसिंग सर्किट में बदल दिया जाता है। क्योंकि एक माउंटेन रीजन है तो यहाँ रोड्स पर कुछ बम्प्स भी बने हैं जिन पर ये हाई स्पीड बाइक्स कुछ इस तरह से फ्लाई करती हैं। एज यू कैन सी ये काफी डेंजरस है और इसीलिए ऑलमोस्ट हर साल इस रेस में एक से दो राइडर्स की डेथ हो जाती है। 1907 से लेकर अब तक इस रेस में इन टोटल 269 राइडर्स की जान जा चुकी है और इसी वजह से कई बार इस रेस को बैन करने की मांग भी होती है। बट इस रेस को शुरू करने वालों ने इसे एक रिमोट आइलैंड पर स्टार्ट किया था जहां ना तो इंग्लैंड का लॉ चलता है और ना ही आयरलैंड का। इस आइलैंड पर यहां की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का रूल है जिसके लिए साल में एक बार होने वाली आइल ऑफ मैन टीटी रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है। MotoGP और बाकी सारे रेसेस से अलग आइल ऑफ मैन टीटी का फॉर्मेट काफी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ सेपरेट रेस ट्रैक नहीं है, इसीलिए सारे राइडर्स एक साथ रेस स्टार्ट नहीं करते हैं। 10 सेकेंड्स के इंटरवल पर हर राइडर को सेपरेट स्टार्ट दिया जाता है और जो राइडर सबसे कम टाइम में 60 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 4 लैप्स कंप्लीट कर लेता है उसे ही इस रेस का विनर अनाउंस किया जाता है। वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप की तरह इस रेस में भी रोड लीगल प्रोडक्शन बाइक्स ही यूज होती हैं। 1907 से लेकर अब तक आइल ऑफ मैन टीटी की हिस्ट्री में होंडा ने सबसे ज्यादा रेसेस जीती हैं, जिसमें CBR 1000RR का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और अब वापस आते हैं MotoGP पर। MotoGP रूल्स और इसकी दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल पर अवेलेबल MotoGP प्लेलिस्ट की वीडियोस देख सकते हैं। 2023 में पहली बार भारत में MotoGP रेस ऑर्गेनाइज हुई थी और तब से कई यंग राइडर्स ने इस ग्रैंड रेसिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने का सपना देखना शुरू कर दिया है। 1000cc MotoGP कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको Moto3 और Moto2 में अच्छा परफॉर्म करना होगा। 250cc Moto3 में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको नेशनल लेवल पर टॉप राइडर्स की लिस्ट में आना होगा और फिर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म किया तो शायद आपको Moto3 में एंट्री मिल सकती है। बट MotoGP में रियलिटी शोज की तरह एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी ऑप्शन होता है। हर डे ट्रैक पर वहां के कुछ लोकल टैलेंटेड राइडर्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू Moto3, Moto2 और MotoGP कैटेगरी में रेस करने का मौका मिलता है। 2023 में चेन्नई के कदाई यासीन अहमद को Moto3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी पर वो प्रैक्टिस सेशन क्वालिफाई करके फाइनल रेस में नहीं पहुंच पाए। 2026 में होने वाली इंडियन GP में इस वाइल्ड कार्ड एंट्री को यूज करने के लिए आपको INMRC यानी कि इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में टॉप परफॉर्मर बनना होगा। INMRC तक पहुंचने के लिए आपको रेसिंग लाइसेंस बनाकर एक रेसिंग एकेडमी ज्वाइन करनी होगी और फिर आगे की गाइडेंस आपको वही मिल जाएगी। इन सारी रेसिंग चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए टैलेंट और हार्डवर्क की जरूरत होती है जिसे डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन। सो अगर आप पब्लिक रोड्स पर कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये सब बंद करके एक ट्रू राइडर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइड करना शुरू कर दें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।